नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयर करना है मीन्स बताना है नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. इसके लिए आपको क्या लगानी है, साइंस लगानी है. फर्स्ट साइन होता है, इसको बोलते हैं इक्वल टू. इक्वल टू का मीन्स हमारे पास टू साइड्स पे नंबर है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी. इक्वल टू साइन हम तब लगाते हैं जब हमारे राइट साइड इस लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों नंबर्स क्या होते हैं, इक्वल मीन्स सेम होते हैं. यहाँ पे भी 78 है, यहाँ पे भी 78 है. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटर देन. ग्रेटर देन जब आपने वो स्टोरी सुनी ना क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का जो मुंह है किसकी तरफ खुलता है, जो नंबर क्या होता है, बिगेस्ट होता है, बड़ा होता है. टू नंबर्स है 20, 14. तो क्रोकोडाइल का मुंह जो किसकी तरफ खुलता है, जहां पे जो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है. ठीक है, तो 20 जो क्या 14 से बड़ा है, तो ये साइन हम यूज करते हैं फॉर ग्रेटर देन. नेक्स्ट हम साइन यूज करते हैं लेस देन. ठीक है, होता तो वही है, जो क्रोकोडाइल है उसका जो मुंह है किसकी तरफ खुलता है, जो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है. जैसे कि 35 है और 96. अब कैसे कंपेयर करेंगे, ये वंस फिर टेंस, यहाँ पे यहाँ वंस टेंस. देखो यहाँ पे टेंस प्लेस पे 3 है, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 9 है. ठीक है, तो क्या हुआ, 9 बड़ा हुआ. पर हम साइन अब हम किसको कैसे रीड कर सकते हैं, 35 इज लेस देन 96. दैट मींस कंपेयरिंग नंबर्स में हम थ्री टाइप्स के सिंबल्स यूज करते हैं. इक्वल टू, इक्वल टू में दोनों साइड्स क्या होती है, बराबर इक्वल होती है. ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्रॉकी का जो मुंह है किसकी तरफ ओपन होता है, जो नंबर क्या होता है, बिगेस्ट बड़ा होता है. 20 इज ग्रेटर देन 14. नेक्स्ट इज लेस देन. लेस देन में 35 इज लेस देन 96. लेट्स जस्ट डिस्कस सम एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज 75, 38. इसमें आपके नंबर्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है. सबसे पहले यहाँ वंस टेंस. ठीक है, ये वंस प्लेस, ये टेंस, वंस टेंस. अब देखो यहाँ टेंस प्लेस पे 7 है और यहाँ पे टेंस प्लेस पे 3 है. दैट मीन्स 75 जो क्रोकोडाइल है उसका जो मुंह किसकी तरफ ओपन करेंगे, जो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज 95, 93. नेक्स्ट में क्या है, यहाँ वंस प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे 9, वंस टेंस. अब देखो अब इन दोनों नंबर को हम कंपेयर करेंगे. अब टेंस प्लेस में भी 9 है, यहाँ टेंस प्लेस में भी 9 है, अब क्या करें. ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ वंस प्लेस पे 5 है बट वंस प्लेस पे 3 है. अब हमने क्या करना है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3. दैट मीन्स 95 इज ग्रेटर देन 93. थर्ड क्वेश्चन 63, 36. अब वंस प्लेस टेंस, वंस टेंस. अब कंपेयर करते हैं. ठीक है, यहाँ वंस प्लेस पे 6 है, यहाँ वंस प्लेस पे 3 है. अब क्रोकोडाइल का किसकी तरफ ओपन होता है, जो नंबर क्या होता है, बिगेस्ट होता है. 6 इज ग्रेटर देन 3. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन वंस टेंस. यहाँ 15, यहाँ भी 15. कौन सा साइन यूज करेंगे जब दोनों साइड इक्वल होती हैं, इज इक्वल टू. क्लियर, एंड द नेक्स्ट वन इज 79, 69. वंस टेंस, वंस टेंस. अब कंपेयर करो, यहाँ टेंस प्लेस पे 7, यहाँ पे 6. अब देखो कौन सा बड़ा होता है, 7 ये 6. यहाँ वंस प्लेस तो दोनों सेम है, 7 इज ग्रेटर देन 6. 79 इज ग्रेटर देन 69. क्लियर, नेक्स्ट है वंस टेंस, वंस टेंस. अब कंपेयर करते हैं नंबर्स को, यहाँ पे 88, 87. टेंस प्लेस पे तो दोनों पे 8, 8 है, पर वंस प्ले यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है. तो क्रोकोडाइल का मुंह किसकी तरफ ओपन होता है, जो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है. थैंक यू.